हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपका पेज नंबर 12 क्लास 2 का चैप्टर नंबर 1 सही है, लिविंग थिंग्स एंड देयर एनवायरनमेंट। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे वो एनवायरनमेंट था, किसका, गार्डन का। अब हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट ऑफ पॉन्ड। देखिए यहाँ आपके पास देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट कैन वी फाइंड इन अ पॉन्ड। बुनियादी तौर पर पॉन्ड जो है वो दरअसल हम ऐसे स्टोर ऑफ वाटर कहते हैं जो कि फ्रेश वाटर होता है। फ्रेश वाटर यानी ताज़ा पानी, मीठे पानी का जो ज़खीरा होता है जो कि छोटा सा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, ज़मीन के किसी हिस्से पे पाया जाता है। सराउंडिंग पे उसके क्या मौजूद हो, ज़मीन मौजूद हो और बीच में छोटा सा जो है ज़खीरा जहाँ पानी क्या हो, स्टोर हो, उसे हम दरअसल क्या कहते हैं, पॉन्ड कहते हैं। पॉन्ड ये तालाब, उर्दू में से तालाब कहा जाता है। तो जैसे कि आपकी बुक के अंदर भी दिखाया गया, मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी दूँ, जैसे कि ये जो पूरा एरिया जो है, ये जो सारा का सारा जो है क्या है, पॉन्ड। देखिए इसके चारों तरफ क्या है, चारों तरफ क्या है, ज़मीन है सही है, और बीच में आपके पास जो है ये पानी मौजूद है। तो इसे हम दरअसल क्या कहते हैं, पॉन्ड कहते हैं ना। अब क्या कह रहा है, अपॉन हाउसेस मैनी डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि पॉन्ड जो घर होता है किसका, मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स का और एनिमल्स का। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो पॉन्ड यानी तालाब में भी रहते हैं। लुक एट अ पॉन्ड, बोले कि तालाब में देखो, व्हाट प्लांट्स कैन यू सी, आपको किस किस्म के प्लांट्स मिलेंगे। नीचे आंसर दे रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर प्लांट्स कैन फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पॉन्ड। बोले डिफरेंट किस्म के वाटर प्लांट, वाटर प्लांट से मुराद ऐसे प्लांट जो कि पानी में पाए जाते हैं, वो हमें पॉन्ड में दिख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे सम प्लांट फ्लोट ऑन वाटर, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि जो कि पानी में फ्लर्ट कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये देखें, याला प्लांट देखें जिसका नाम जो है वाटर लेटस है, ये दरअसल पानी के ऊपर ही तैर रहा होता है सही है। और जैसे कि आपके पास ये आपके पास जो है वाटर हाइसेंथ है, ये भी आपके पास जो है पानी के करीब करीब ही, तालाब के करीब करीब ही मौजूद होता है। और इसके अलावा सम प्लांट ग्रो फ्रॉम दी बॉटम ऑफ पॉन्ड, बोले कुछ प्लांट्स ऐसे ही है जैसे कि नीचे भी वही बात की गई है, जो कि पानी यानी तालाब के ऊपर ही पाए जाते हैं, जैसे वाटर लिलीज हैं ये देखें, जैसे वाटर लोटस है। और इसके अलावा आपके पास जो है ये कैट टेल्स हैं। कैट टेल इसलिए कहते हैं, इसकी जो है देखिए ये दिख रहा है ना आपको, ये जो है बिल्ली की दुम की तरह होते हैं, जैसे कैट टेल, कैट बिल्ली को कहते हैं, टेल दुम को कहते हैं। तो कुछ तालाब ऐसे हो, कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो कि पानी की सतह, तालाब की सतह में पाए जाते हैं, जैसे वाटर लिलीज है, वाटर लोटस है और कैट टेल है। दिस इज़ बिकॉज, ये इसलिए होता है, ये पानी की तालाब की सतह पर इसलिए होते हैं कि वेरी लिटिल सनलाइट कैन पास थ्रू वाटर टू रीच दी बॉटम ऑफ द पॉन्ड, के बहुत कम ही आगे पर रोशनी है जो कि तालाब के नीचे तक पहुंचती है, तो इनको रोशनी ज़्यादा चाहिए होती है, तो लिहाजा ये तालाब के ऊपर ही उग रहे होते हैं, परवान चढ़ रहे होते हैं। अब नीचे देखें आगे पर जो है मॉसेस, शॉर्ट के ऊपर लिखा हुआ भी है, मॉस है, इज़ अ लाइक डैम एंड शेडी कंडीशन, इसको लाइक यानी पसंद होती उगने के लिए, इसको ज़्यादातर जिस जगह पे उगती है वो डैम और शेडी प्लेस, यानी डैम यानी नमी वाली और शेडी यानी सायेदार जगह पे आमतौर पे उगते हैं ये प्लांट ही। एक तरीके का मॉस जो होते हैं, मॉसेस जो होते हैं, दे ऑफन ये आमतौर पे उगते हैं, कभी उगते हैं ग्रो ऑन रॉक्स यानी पत्थरों पे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, ये देखें ये पत्थर है और पत्थर के ऊपर ये जो आपके पास क्या है उगे हुए हैं सही है, जो ग्रो ऑन रॉक्स नियर पॉन्ड, जो कि तालाब के करीब जो पत्थर मौजूद होते हैं उनके ऊपर ये उग रहे होते हैं। फिर उसके बाद बोल रहा है कि व्हाट एनिमल्स कैन बी फाउंड इन अ पॉन्ड, बोला कि वो कौन से एनिमल्स हैं जो कि पॉन्ड में उग रहे होते हैं। पहले भी बहुत बोल रहा है, फिशेस यानी मछलियाँ,
फिशेज लिव इन अ वाटर, फिशेज जो हैं वो आमतौर पे पानी में रहती हैं। दे फीड ऑन एल्जी, ये एल्जी अब जहन में सवाल है ये एल्जी क्या होते हैं। एल्जी दरअसल जो है सिंपल प्लांट्स होते हैं, वैसे प्लांट की कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन फॉर अ टाइम बीइंग आगे जाके आप पढ़ोगे एल्जी क्या होते हैं, लेकिन अभी समझने के लिए यही है कि एल्जी जो है सिंपल प्लांट्स होते हैं। ऐसे सिंपल प्लांट्स ना इनकी किसी किस्म की स्टेम शाख होती है, ना इनमें फ्लावर्स होते हैं, और ना इनमें क्या होते हैं लीव्स होते हैं। सही है, तो ये दरअसल इस किस्म के आमतौर पर सिंपल प्लांट्स होते हैं। सही है, और आपके पास जो है वाटर, दे फीड ऑन वाटर, दे फीड यानी मछलियों के बारे में बताया जा रहा है। मछलियाँ जो है वो आमतौर पर एल्जी यानी सिंपल प्लांट्स पे क्या कर रही होती है, डिपेंड कर रही होती हैं। वाटर प्लांट्स और मुख्तलिफ किस्म के दूसरे वाटर प्लांट्स पे, जैसे कि हमने तस्करा किया था वाटर लिलीज, सही है, वाटर लोटस और कैटल्स पे, एंड इवन इंसेक्ट्स, और बोले कि इवन के ये कीड़े मकोड़े भी खाती हैं मछलियाँ। अच्छा, ये एल्जी आर प्लांट दैट ग्रो ऑन दी पॉन्ड सरफेस, बोले एल्जी जो है वो प्लांट्स होते हैं जो कि पॉन्ड की यानी आपके पास जो है तालाब की सतह यानी ऊपर की तरफ क्या करते हैं ग्रो करते हैं। मैनी फिशेज डू नॉट लाइक डायरेक्ट सनलाइट, बोले कुछ फिशेज ऐसी होती जिनको जो है डायरेक्ट सनलाइट अच्छी नहीं लगती, वो आमतौर पर कम रोशनी में शेल्टर साए में रहना पसंद करते। दे लाइक उनको पसंद है टू फाइंड शेल्टर, वो फाइंड करती हैं शेल्टर रहने की जगह इन शेड ऑफ वाटर प्लांट्स, किसके नीचे, तो वाटर प्लांट्स के साए में आमतौर पर रहती हैं फिशेज रहती हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर लुक, बोले देखो किसे, देखो ये देखो, लुक what is दिस इंसेक्ट, ये कौन सा कीड़ा है दैट इज़ वॉकिंग ऑन द वाटर सरफेस, ये तो पानी की सतह पे चल रहा है। देखें आपके पास जो है आमतौर पर जो कीड़े होते हैं कोई चीज़ होगी पानी में डूब जाएगी, लेकिन ये कीड़ा ऐसा है जो कि पानी की सतह में, इसका नाम है पॉन्ड स्कैटर। सही, पॉन्ड स्कैटर यानी स्कैट एक खेल है बाकायदे तौर पर, आमतौर पर हमने शायद देखा भी हो, है इसका नाम पॉन्ड स्कैटर है। इट ईट्स इंसेक्ट, कीड़े खाता है दैट हैव फॉलन ऑन टू दिस वाटर सरफेस, जो कि पानी की सतह पर गिर जाते हैं, उसे ये क्या करता है पॉन्ड स्कैटर खा जाता है। पॉन्ड्स जो है अट्रैक्ट मैनी अदर काइंड ऑफ एनिमल्स, जो है अब बोले कि जो पॉन्ड्स जो है इन तालाब जो है वो और भी बहुत सारे एनिमल्स को अपनी तरह अट्रैक्ट करता है, यानी वहाँ बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, जैसे कि देखिए ये देखिए फ्रॉग है, जैसे कि ये ड्रैगन फ्लाई है जिसे हम हेलीकॉप्टर आमतौर पर कह रहे होते हैं आम जमान पर, जब बारिश होती आते ही। वाट एनिमल कैन बी फाउंड नियर अ पॉन्ड, अब देखिए यार ड्रैगन फ्लाईज, सही है, ये देखिए साइड वाले पर ये ड्रैगन फ्लाई की बुक में भी नज़र आ रहा होगा। ड्रैगन फ्लाईज लाइक टू फ्लाई नियर द सरफेस ऑफ पॉन्ड्स, सही है, जो ड्रैगन फ्लाईज जो हैं वो पान तालाब की सतह के करीब ही उड़ना पसंद करते हैं। दे फीड ऑन इंसेक्ट्स, ये कीड़े मकोड़े ही खाते हैं, सच एज मॉस्किटोज, जैसे कि मच्छर। दे लीव नियर पॉन्ड्स, और ये आपके पास जो है तालाब के करीब ही रहते हैं। ड्रैगन फ्लाइज ले दियर एग्स इन पॉन्ड्स टू, बोले ड्रैगन फ्लाइज जो हैं ये जो है ड्रैगन फ्लाई जो है जिसे हम हेलीकॉप्टर कहते हैं, ये क्या करते हैं पॉन्ड्स के करीब ही अपने अंडे देते हैं। जब देखो यहाँ नीचे दिखाया गया, जब ड्रैगन फ्लाई छोटा होता है ना बच्चा, जब अंडे से निकलता है तो बिल्कुल ऐसा होता है। फ्रॉग लाइक टू स्टे नियर पॉन्ड, देखिए फ्रॉग भी क्या करता है आपके पास तालाब के करीब ही रहता है। दे नीड टू कीप देयर बॉडीज वेट, इसको भी ज़रूरत होती है अपनी बॉडी को हर वक्त वेट यानी गीला रखने की। दे फीड ऑन इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े खाता है सच एज ड्रैगन फ्लाई, जैसे कि देखिए आप देखिए ड्रैगन फ्लाई खा रहा है, मक्खी भी खा लेता है, मच्छर भी खा लेता है, सब खा लेता है ये अपनी लंबी सी जबान फेंक के। दे फीड ऑन इंसेक्ट्स सच एज ड्रैगन फ्लाईज एंड मॉस्कीटोज, ड्रैगन फ्लाई और मॉस्कीटो की जैसे कीड़े मकोड़े खाता है। फ्रॉग्स ले दियर एग्स इन पॉन्ड्स टू, और ये मेंढक भी जो है अपने अंडे तालाब में ही देता है। यहाँ लिखा हुआ देखें मेंढक के बारे में लिखा हुआ है, जैसे कि ड्रैगन फ्लाई जब छोटा होता है तो ऐसा होता है, जब मेंढक छोटा होता है तो वो ऐसा ही होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
सही, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसे बार बार देखिए, इसकी वर्किंग आपको जो है दे दी जाएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।